तो गाइस रियो भी जा रहा है अपना साथ। देखो 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 गाइस पब्लिक रिएक्शन देखो। कंडीशन है यार ये रोड सब का, शिट 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 शिट। अरे भाई साहब डिवाइडर भी नहीं दिख रहा, इतना धूल उड़ता है इधर तो। फर्क है 163। और क्या ही बताओ गाइस, इतना देर बाद एक अच्छा हाईवे फाइनली मिल गया। ओके तो ये जो लोकेशन है ये है काली नगर। जो है ब्रेकफास्ट कर रहे हैं हम लोग के घर पे। तो इधर पे एसबीएन भाई एंड इधर पे है राजदीप भैया। और सुबह 5 बजे गए हम लोग का निकलने का प्लान था, बट यार बारिश हो गया था सुबह सुबह। तो भैया अभी इधर पे ब्रेकफास्ट का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। तो कैसा लग रहा है राजदीप भैया हम लोग का सुबह से? तो और नीचे सबको मेरा वेट ही कर रहा है। तो गाइस वही है और इधर पे दादी जी है। सो ऑल सेट टू लीव। और यार काफी प्यारा लग रहा है ये। तो गाइस रियो भी जा रहा है अपना साथ, छोटा बच्चा है ना अभी, कितना प्यारा लग रहा है। आसाम इज गामू छाटा रास्ता দিয়ে আসার সময় যে সংবর্ধনা দিছেন একজন ওই জন্য এটা বাইন্ধে নিছে। লিও চলো চলো মিলতে, থোড়া দিন বাদ মিলতে। লিও সারা বাইক জো ইধার পে রেডি হো চুকা হ্যায়। ইয়ে রা এসপিএন ভাই ও রা রাজদীপ ভাইয়া। দিদা ভাই লিও গেলাম, কুটি দিদা গেলাম, মামি গেলাম, চলো। ওকে যে পহলা চিজ হ্যায় গাইস, পহলা চিজ হম লোক কো করবানা পড়েগা রিফুয়েল। তো উসি কে লিয়ে দেখতে হ্যায় আবি বালাসন ব্রিজ ক্রস করকে শিব মন্দির সে ভি ফুয়েল আপ করবা সকতে হ্যায়, ইয়া তো ফির হম লোক জুবলি সে ভি করবা সকতে হ্যায়। তো কুছ দিন কে লিয়ে মিস করেঙ্গে মাটিগড়া কো। আর কাল রাত কো বারিশ হুয়া থা। তো দেখো গাইস ইধার কা রোড কা কন্ডিশন ক্যা হি বাতাও। সামনে পে হসপিটাল হ্যায় ফির ভি এসা রোডস। चलो फिर लम। आज का राइड का पहला मतलब रिफ्यूल हो रहा है इधर पे जो कि है खपरेल मोड़ पे। तो गाइस यार हम लोग अभी सिलीगुड़ी को टाटा वाई वाई करते हुए निकल रहे हैं फॉर कोलकाता। एंड सच में यार काफ़ी दिनों बाद एक लॉन्ग राइड एंड मैं तो यार फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ बाई बाइक वो भी कोलकाता। एसबीएन भाई क्यों बुला रहा है? जो लोग बाहर से वीडियोस वगैरह देखते हो, जो लोग बाहर से ट्रैवल करते हो बाइक पे, तो उन लोग के लिए ये जो अपडेट है मैं दे देता हूँ कि अगर आप लोग फ्लाईओवर से अगर स्ट्रेट चला जाते हो तो आप लोग इधर से बिहार को कनेक्ट कर पाओगे। एंड इधर से हम लोग को जाना पड़ेगा गाइस लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट साइड से जाने पर हम लोग को कोलकाता वाला रूट जो है वो मिल जाएगा एंड स्ट्रेट जाने से हम लोग पहुँच जाएंगे नेपाल का तरफ। तो आज का राइड का पहला टोल प्लाजा पश्चिम मदाती टोल प्लाजा है ये। एंड इधर से इस्लामपुर और भी करीब करीब 45-50 किलोमीटर्स होगा। बाइक के लिए कोई टोल वगैरह तो चाहिए नहीं। ओहो द रॉ पावर जो है ना गाइस 390 पे इतना मस्त है क्या ये बताओ। ये जो रोड सब है गाइस इस पर काफ़ी सारा पोर्टल्स वगैरह रहता है, तो अभी इधर पे थोड़ा बहुत देख के राइड करना पड़ेगा क्योंकि यार लक अगर ख़राब हुआ ना तो पोर्टल पे गिर के बाइक का एलोइज वगैरह टूट सकता है एंड ज़्यादा कुछ भी हो सकता है। सो होप फॉर द बेस्ट, देख देख के आराम से चलते हैं। ये हम लोग आके पहुंच चुके हैं सोनापुर।
उधर पे रोड बुरा था, याद है मेरे को। सबसे अलग सा एक जो बात है गाइस, मतलब मेरे को इतना बुरा लग रहा है हाईवे पे राइड करके, ये जो चीज़ सब मेरे को दिख रहा है कि देखो जो भी चल रहा है यार रोड पे, बच्चे लोग को लेके चल रहे हैं, कोई भी हेलमेट कुछ पहन नहीं रहा है यार। ये तो कोई मजाक करने का जगह नहीं है, ये हाईवे है, नेशनल हाईवे फोर लेन। एंड इधर पे जो व्हीकल सब चलता है, जो बाइक सब चलता है, सारा कोई एक अच्छा स्पीड लिमिट मेंटेन करता है। जैसे कि आगे पे दो बंदा है जो विदाउट हेलमेट जो राइड कर रहा है, वो भी हेलमेट नहीं पहना है, जो पिलियन है वो भी हेलमेट नहीं पहना है। क्या ही बताओ यार, इतना इरेस्पॉन्सिबल कैसे आदमी बन सकता है यार। खुद के लिए तो यार कम से कम पहन लिया करो, ये तो बचोगे नहीं तो कैसे क्या होगा, है ना। देखो जैसे कि देखो, मतलब हर कोई जो है, हर कोई ट्रिपल कैरी कर रहा है, नेशनल हाईवे है और विदाउट हेलमेट। क्या ही बताओ गाइस, मतलब इतना बुरा लग रहा है सब चीज़ देख के। एनीवेज गाइस, हम लोग अभी इस्लामपुर बाईपास होके निकलेंगे, और इस्लामपुर इधर से ज़्यादा दूर नहीं है, वही करीब करीब कुछ 8-9 किलोमीटर ऐसा कुछ ही होगा। हेलमेट है बंदा का पास, हेलमेट झुला के रख दिया लेग गार्ड पे, भाई साहब टैलेंट। तो गाइस ये वाला जो रोड है, ये अंदर से जाने से हम लोग पहुँच जाएंगे इस्लामपुर, बट हम लोग इस्लामपुर नहीं जाएंगे, हम लोग बाईपास होके निकल जाएंगे। देखते हैं आने का टाइम, अगर मन हुआ तो घुसेंगे इस्लामपुर सिटी होके। ओहो ओहो ओहो, धूल धूल, पता नहीं गाइस ये कौन सा जगह है, बट यार इतना सही लग रहा है ये वाला जगह। चारों तरफ देखो ऐसा ग्रीन ग्रीन है, एकदम दूर तक, दूर दूरों तक ऐसा है। एंड इतना अच्छा हाईवे है, एंड राइड इज ऑल्सो गोइंग सो मच अमेजिंग। क्या ही बताओ गाइस, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और ये पेड़ सबको देखो गाइस, वाह, मतलब काफ़ी सही लग रहा है, एक यूनिक मतलब व्यू दे रहा है। बंगाल टू बंगाल होके जाएंगे ना, तो बंगाल टू बंगाल रोड कौन सा है वो देखना पड़ेगा। तो पहले इसका राइड का पहला टी ब्रेक इधर पे ले रहा हूँ, एंड सच में आज का राइड जो है काफ़ी अमेजिंग से चल रहा है। देखते हैं हम लोग दीघा तक मार पाते हैं या तो फिर कोलकाता एंटर करते हैं, वो तो पता चलेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल। और राइड कैसे चल रही है भाई? बहुत स्मूथ, बीच में घुस गए थे कई बार गाँव में, लेकिन गाँव नहीं बंगाल टू बंगाल रोड था वो। हाँ, लेकिन उस तरफ बहुत, लेकिन हम लोग को ऐसा फील हुआ कहीं कि नहीं, हम लोग हाईवे 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 प्रेफर किया हम लोग ने। और इधर पे हम लोग का कैमरा मैन, इधर पे हम लोग का राजदीप भैया, और इधर पे हम लोग का बाइक। तो गाइस चलो इस चाय को जल्दी से जल्दी खत्म करते हैं, उसके बाद आगे आप लोग से मोटो ब्लॉग में मिलते हैं। दादा बोलो बंगाल टू बंगाल रोड कौन दिख दिए? आगे जाइएगा थोड़ा थोड़ा, आगे जाने से पहले भी कच्ची रोड जा पाया। कितना दूर पे, कितना दूर? हाफ किलोमीटर। तो गाइस यार हम लोग जा रहे हैं बंगाल टू बंगाल होके, अभी जो है गाइस अभी हम लोग का प्लान पे थोड़ा सा चेंजेस आ गया है कि हम लोग बंगाल टू बंगाल रोड होके नहीं जाएंगे, क्योंकि यार बंगाल टू बंगाल रोड तो वैसे अच्छा है, बट हम लोग को वैसा भी कुछ सेफ फील नहीं हो रहा है इस रोड पे राइड करके। प्रॉब्लम वही है गाइस कि घर जो सब है रोड का एकदम साइड पे है, बाजार एरियाज बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग एक अच्छा स्पीड एक अच्छा पेस मेंटेन नहीं कर पा रहे। सब क्या क्या हो रहा है, रोड का बीच पे टेबल लगा दिया है, और क्या हो रहा है यार ये सब। तो दिखती है ना, ओ भैया मालदा वाला रास्ता यही है ना, इधर से जाएगा ना थोड़ा। देखो 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 गाइस इधर का जैम। ओके तो गाइस हम लोग जो है, हम लोग इधर पे अभी सुजापुर पे आके रुके, ये जो दो भाई है इधर पे हम लोग के लिए वेट कर रहा था। ये भाई का नाम क्या है? सुरजीत। सुरजीत, और ये भाई का नाम? सौरभ। ओके तो ये दोनों भाई ने मतलब बहुत ही अच्छा खातिरदारी की हम लोग का। तो ये हम लोग अभी इधर से अभी आगे बढ़ेंगे मालदा, फिर उसके बाद फारक का, ये सब देखते हैं आगे क्या क्या प्लान होता है। तो व्लॉग है उसको इधर पे भी लाइव कर देते पब्लिक। ओके ओके भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू, देखा हो वे। ओके ओके भाई, एंड भाई लोग ने यार काफ़ी अच्छा खातिरदारी दिखाया, मतलब राइड पे निकले हैं, राइड पे काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है यार, सबसे बड़ा बात इधर ही है। जहाँ भी जा रहा हूँ भाई लोग मिलते जा रहे हैं, ऐसे जो है प्यार देते जा रहे हैं। तो ये गाइस ये जो है ये एक अंदर का अटैचमेंट है, ये कोई आप लोग ऐसे मतलब ऐसे कोई किसी के लिए थोड़ी ना वेट करेगा, सबका समय का बहुत वैल्यू है। तो गाइस इसी के लिए जो है, इसी के लिए जो लोग हम लोग से मिल रहे हैं रास्ते पे, उन लोग को बहुत 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 थैंक्स। ओ क्या कंडीशन है यार ये रोड सबका, शिट 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 शिट, अरे भाई साहब डिवाइडर भी नहीं दिख रहा, इतना धूल उड़ता है इधर तो। ओ भाई साहब क्या जैम है इधर तो।
सो इधर पे आके थोड़ा सा पानी पी लेते हैं क्योंकि यार बहुत गर्मी है और हाइड्रेट रहना भी बहुत इम्पोर्टेंट सा चीज़ है। अरे यार बस से आदमी लोग कैसे दिख रहे हैं ऐसे। इधर का ट्रैफिक का जो कंडीशन है यार, मतलब ट्रैफिक मैनेजमेंट एकदम नहीं है यार इधर पे तो, मतलब जिसका जहाँ से मन उधर से आके घुसा दे रहा है रॉन्ग लेन होके। इधर पे यार इतना देर रुकना पड़ा और क्या ही बताओ गाइस, इतना देर बाद एक अच्छा हाईवे फाइनली मिल गया। पीछे का जो रोड था इतना बैड था, क्या ही बताओ यार, इतना बड़ा गड्ढा सा भरती हुआ था। एंड ट्रैफिक का तो बात छोड़ ही दो गाइस, उधर पे कुछ ट्रैफिक मैनेजमेंट सही नहीं है। वैसे ये रोड जो है, ये रोड एकदम चुम्मा वाला रोड है, राइड करके इतना मज़ा आ रहा है क्या ही बताओ। बट देखो ना, फिर भी ऑपोजिट लेन से तो गाड़ी आ ही जाता है। बोलम मालदा कौन दिखती है वो, ये जो रोड है इतना सही लग रहा है। और इधर पे व्हाइट बीस्ट पीछे टार्जन विद एसबीएन भाई, कैसा लग रहा है रोड? बहुत मतलब ऐसे मस्त रोड पर मैं लश में फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ। कंडीशन थोड़ा बहुत खराब है थोड़ा, लेकिन भाई ठीक है भाई, इतने चौड़े चौड़े रोड से फ्री रोड, मतलब रश नहीं है रोड पे, रोड पे रश नहीं है। बट यार वही है रोड पे, लेकिन एक चीज बहुत देखने को मिल रहा है, विदाउट हेलमेट बहुत भाई। मैं बोला मैंने अपने ब्लॉग में बोला अभी नहीं पहना इधर, ऊपर से ट्रिपल कैरी, छोटा बच्चा भी है। सो गाइस ये सब ही है इस्लामपुर साइड से जो लोग वीडियो देखते हो गाइस, ये सब चीज को एकदम अवॉइड करो। हाईवे पे राइड कर रहे हो हेलमेट पहना करो यार, इतना तो रिक्वेस्ट है, क्योंकि जान एक बार चला जाएगा ना तो जान लेकिन वापस नहीं आएगा। सो वही है। और वो पीछे उधर पे राजदीप भैया है, वन वे रोड सब होता है ना गाइस, ये सब बहुत रिस्की है कॉज इधर पे बहुत ही हेवी व्हीकल सब चलता है। हम लोग कुछ ऐसा जगह पे है, पता नहीं कौन सा जगह है ये, यानी कि जो टाइम हो रहा है गाइस वो है 6:20 और सारा बाइक जो है इधर पे ही है। फरक्का रायगंज हाईवे लिमिटेड, सो आई थिंक बाइक्स के लिए कोई टोल तो लगता है नहीं लगता है। गाइस हम लोग अभी मालदा सिटी पे एंटर कर चुके हैं एंड इधर पे हम लोग कोई एक होटल पे अभी रुक जाएंगे। होटलटा खोला आछे ना बंद? हाँ ओके। तो यार गाइस कुछ ऐसा है हम लोग का रूम का भी कंडीशन, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ होगा इधर पे, दो बेड है तो वही है। और हम लोग ने बिरयानी उधर से लेके आए, सो वही है गाइस, आज का राइड का अच्छा ही था। एंड हम लोग ने वैसा कुछ किलोमीटर कवर नहीं कर पाए, मालदा पे आके इधर पे स्टे कर लिया हम लोग, तो कल देखेंगे कल का क्या प्लान होता है, पहले से कुछ नहीं बताएंगे। आज का जो ये वाला वीडियो है इसको इधर पे एंड करते हैं। सो एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, राइडर राइड से स्टे सेफ, सावधान रहो, मोबाइल टिकट। तो चलो जी गाइस मिलते हैं अपना कोई रख मार्केट वीडियो के साथ, बाय।